भी व्यक्तिगत लाभ निषाद पार्टी से नहीं दिलवा पाए हैं। आप एक भी सिंगल कैंडिडेट बता दीजिए कि जो दिलाए हो, तो हम कहें कि मतलब संजय निषाद ने पार्टी के लिए निषादों को कहीं एक टिकट दिलवा दिया हो। हम जनता से यही कहना चाहेंगे, जो विकास करे उसको वोट दो, और जो समाज में आपके निरंतर सेवा में लगा रहे उसको वोट करें। यहाँ से और हर जगह घूमते हैं पूरे क्षेत्र में, कहीं एक बोर्ड नहीं दिखाई देता है कि परवीन निषाद ने अपने कर्मों द्वारा ये काम करवाया है। कहीं देखे हैं आप इस क्षेत्र में? जिला पंचायत के आप सदस्य रहे पूर्व में, और आज इनसे बात करते हैं क्योंकि यह भी एक निषाद समाज से आते हैं और निषादों के लिए प्रवीण निषाद ने काफ़ी कुछ किया है, क्या कहेंगे? करने को तो जवानी सारे लोग किए हैं जी। कोई बेटा बन के वोट मांग लेता है, कोई भाई बन के वोट मांग लेता है, लेकिन हम लोग समाज के सजग लोग हैं। हम जनता से यही कहना चाहेंगे, जो विकास करे उसको वोट दो, और जो समाज में आपके निरंतर सेवा में लगा रहे उसको वोट करें। तो लगातार 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे और हर समाज में जाकर के 5 साल वो लगातार सेवा किए हैं, सड़कों का जाल बिछाए, विकास की गंगा बहाए, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों द्वारा आप सुने हैं और हमारे भी द्वारा सुन रहे हैं, विकास के नाम पर उन्होंने जो कुछ किया है वो अपना ही विकास किए हैं। क्षेत्र में कोई विकास उनका व्यक्तिगत दिखता नहीं है जो जनता देख के कहे कि हाँ वो किए हैं। आप एक भी कहीं यहाँ से और हर जगह घूमते हैं पूरे क्षेत्र में, कहीं एक बोर्ड नहीं दिखाई देता है कि परवीन निषाद ने अपने कर्मों द्वारा ये काम करवाया है। कहीं देखे हैं आप इस क्षेत्र में? अभी बताएं, हम तो कई जगह देखे हैं, लेकिन आप बताएं। हमारे क्षेत्र में, हम मौलिक से पश्चिम साइड में है, कहीं इनका बोर्ड कोई नहीं देखे, और तमाम सांसदों जो पूर्व में रहे उनके तमाम बोर्ड आज भी मिलते हैं जो काम किए हैं। आप एक निषाद हैं, वो भी निषाद समाज के बहुत बड़े नेता हैं। निषाद हैं भले, लेकिन निषादों ने उनको एकत्रित होकर वोट किया था, पूरे प्रदेश में निषादों ने उनके नाम पर वोट बीजेपी को किया था, भारतीय जनता पार्टी को किया था। उनके साथ में निषादों का भी स्वार्थ जुड़ा था, वो चाहते थे कि ये हमारे समाज के अगुआ हैं और हम लोगों को बीजेपी की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, दोनों से पैरवी करवा के हमको आरक्षण देंगे। ये समाज को आरक्षण की बात, आरक्षण की बात वो करते नहीं है, बल्कि अपने विकास की बात करते हैं, अपने पद प्रतिष्ठा की बात करते हैं, समाज को हमेशा बेचने का काम किए, चाहे जिसके साथ गए, और आज भी समाज को बेचने के लिए तैयार हैं। आज भी वो पार्टी सिर्फ बनाए हैं, लेकिन व्यक्तिगत बनाए हैं, पार्टी के नाम पर उनका कोई सिंबल नहीं है, और अपने सिंबल पर वो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। पार्टी के नाम पे तो भोजन भरी थाली है, आप कह रहे हैं कोई भोजन भरी थाली है, लेकिन उन्हीं का लड़का है यहाँ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है, और समाज चाहता है कि वो भोजन भरी थाली से चुनाव लड़े, और पार्टी से कम 2-4 सीट और मांगे, और निषादों को भी दे हर हिस्सा, अपने परिवार के अलावा और भी निषाद हैं जो उनको हिस्सा दिया जाए। क्या अपने परिवार के अलावा कभी की कोई निषाद का नहीं दिएगा? आज तक तो हम लोग देखते हैं कि निषादों को कोई भी व्यक्तिगत लाभ निषाद पार्टी से नहीं दिलवा पाए हैं। आप एक भी सिंगल कैंडिडेट बता दीजिए कि जो दिलाए हो, तो हम कहें कि मतलब संजय निषाद ने पार्टी के लिए निषादों को कहीं एक टिकट दिलवा दिया हो। मेहदावल में तो आपके ही पार्टी से एक भोजन भरी थाली से चुनाव, सही है अनिल त्रिपाठी जी हमारे पार्टी से चुनाव जीते हैं, हमारे समाज के लोगों को वोट लिए, लेकिन उनको क्या समाज का कोई चेहरा नहीं मिला जो निषाद समाज को टिकट दे के उसको जीता सके? भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट भी मिला है। अभी एक जनप्रतिनिधि रहे और किस तरह से विरोध देख रहे हैं, ऐसा विरोध क्यों हो रहा है? विरोध खाली हो रहा है व्यक्तिगत के बढ़ावा में, वो समाज का बढ़ावा नहीं कर रहे हैं, और समाज चाह रहा है कि वो मछुआ प्रतिनिधि हैं, और मछुआ प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करते हुए, आरक्षण की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी से ऐसा
सुनहरा मौका फिर दोबारा उनको नहीं मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? राम जनक निषाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, नाथनगर वार्ड नंबर 26। राम जनक निषाद जी बात है, वार्ड नंबर 26 से पूर्व जिला पंचायत के सदस्य रहना है, और इनसे जो बात हम लोगों ने किया है वो बताया कि जो समाज के लिए उनको जो करना चाहिए वो समाज के लिए नहीं किए और केवल वो अपने परिवार के ही लिए कुछ किए हैं। और भी लोग बाटे इनसे, बाबा राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। का कहबा, आपकी बार लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गई बा, तारीख का घोषणा हो गई बा। उनको निषाद को नहीं देना है संजय को, उनके जगह पे अगर कोई उतारेंगे ये संसद साहब तो उनको नहीं देंगे, पूरे हल्का मचा देंगे कि इनको मत वोट। क्या नाम है आपका? हमारा शिव प्रसाद दास। अच्छा, शिव प्रसाद दास जी। हाँ, आप ही एक संत होकर के विरोध कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कि हम लोग ये कोई सुनवाई कोई परछा ही ना दिए हुआ के क्या जाने किस तरह से। ये देखिए साधु संन्यासियों का जो जत्था है और वह लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा सर मनोज उपाध्याय नाम है जी। मनोज जी, आपकी बात लोकसभा चुनाव चल रहा था, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव में सर ऐसा है कि हमारे यहाँ एक बार बाढ़ है आई थी, तो ये सांसद जी जो पिछली बार जीते हुए प्रवीण निषाद जी हैं, इनको फोन किया गया कि बाढ़ आ गई है सर, बंधा कटने वाला है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम असरकपुर ग्राम सभा से आते हैं सर। तो इन्होंने कहा कि क्या सर मैं पानी पी जाऊं, मैं गंगा जी का पानी पी जाऊं? ये बताइए कोई सांसद या कोई विधायक या कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पानी पीता है? अरे भाई, उसको बंधवाने का काम करते, उसको रोक लगाने का काम करते, जनता का सहयोग करते, जो वहाँ डूब रहे थे, मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनका सहयोग करते, पर इन्होंने कुछ किया नहीं, तो इनको किस बात के लिए वोट देंगे हम? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने ही तो काम करने के लिए उनको भेजा है कि जनप्रतिनिधि के रूप में, कि भाई अगर रहेंगे तो ये आप लोगों का देखभाल करेंगे। पांच साल नहीं किए तो आपकी पांच साल मौका है ना करने के लिए? जब एक बार नहीं किए तो दोबारा क्या करेंगे? अरे भाई, एक बार तो देखे, कुछ नहीं किए, दोबारा क्या करेंगे? ये देखिए किस तरह से जनता जनार्दन जोन बा कोने तरीके से विरोध बतियावत बा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध काहे होत बा। एक चाचा बाटे, इनसे भी जानकारी ले। नमस्कार, राम राम। ये देखिए चाचा कहत बाटे, हम बहुत बतियोली, बहुत भाषण दे ली, गला बैठ गेल बा। बनल है चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। दो तीन दिनों को जोड़ने वाला वो लोग, ये चीज़ें तो ये बता।